अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम करेंगे रमज़ान के लिए टेबल सेटिंग। तो यहाँ पर मैंने चीज़ें निकाल के रख ली हैं जिसके साथ हम अपनी टेबल सेटिंग करेंगे। जैसे कि आप देख रहे हैं बहुत ही कम चीज़ें हैं, तो बहुत ही सिंपल और बहुत ही जल्दी हो जाने वाला टेबल सेटिंग है ये। तो आई होप आपको अच्छा लगेगा। मैं आपको दिखा देती हूँ क्या चीज़ें यूज़ की है। यहाँ पर मेरे पास ये वाली मैट्स है जो मैंने AliExpress पर मंगाई थी। ये वाला रनर हम यूज़ करेंगे और इसके साथ यहाँ पर मेरे पास रमज़ान की ये साइन रखी हुई है, तो इसको भी हम यूज़ करेंगे। और इसी के साथ थोड़ा सा ग्रीन टच देने के लिए ग्रीनरी को यूज़ करेंगे, गार्लैंड है वो। और इसी के साथ मेरे पास यहाँ पर कैंडल होल्डर्स है। कैंडल होल्डर्स मैंने अलग अलग साइज़ के लिए हैं, डिफरेंट डिफरेंट हाइट के। ये बड़ा वाला लेंगे सेंटर पीस के लिए। यहाँ पर मेरे पास ये मून स्टार का रखा हुआ है, तो वो भी हम उसको यूज़ करेंगे। और वाइट प्लेट्स और गोल्डन स्पून्स और फोर्क हम यूज़ करेंगे। और नैपकिन होल्डर्स मैंने लिए हैं वाइट। तो इसी के साथ हम सारी अपनी टेबल सेटिंग करेंगे, बहुत ही इजी। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले तो मैं ये रनर को डाल लूँगी। इसके बाद हम यहाँ पर सेंटर पर रख देंगे ये कैंडल होल्डर। इसमें मैंने वाइट कैंडल लगाई हुई है, क्रीम और गोल्डन कलर में ये कैंडल है, काफ़ी खूबसूरत है। तो ये हम इसके साथ रख देंगे। और इसी के साथ यहाँ पर मैं थोड़ा सा ग्रीन टच देने के लिए ये गार्लैंड को यूज़ करूँगी, तो इससे बहुत अच्छा लगता है। तो इसको हम इसमें ऐड कर देंगे। इसी के साथ हम यहाँ पर रख देंगे अपने कैंडल होल्डर्स। तो मैंने ये तीन डिफरेंट डिफरेंट साइज़ के कैंडल होल्डर्स लिए हैं, तो उससे हम इसको फिल करेंगे। तो यहाँ पर हम इस वाले कैंडल होल्डर्स को रख लेंगे। उसके बाद में मेरे पास बिल्कुल छोटे वाले कैंडल होल्डर्स है, ये टी कैंडल होल्डर्स है, तो वो हम इसमें ऐड कर लेंगे। ये IKEA के हैं, तो हम इसको यहाँ पर रख लेंगे। इस वाले कॉर्नर पे मैं रख दूंगी मून को। अब मैं इसमें लगा लूँगी एक, मेरे पास यहाँ पर लाइट रखी हुई है जो कुछ इस तरह से है, इससे बैटरी ऑपरेटेड लाइट है, तो इसमें कुछ इस तरह से लाइट आती है। तो ये मैं इसके साथ गार्लैंड के साथ लगा लूँगी, थोड़ा सा अच्छा सा लाइट आएगी इसमें। तो यहाँ पर मैंने इसको इस तरह से कुछ स्क्वायर के लिया है, तो आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छा लग रहा है। जब हम इसमें कैंडल्स लगाएंगे तो वो और भी अच्छा लगेगा। अब मैं रख लूँगी ये मैट्स को। उसके बाद में मैं अपने प्लेट्स ऐड कर दूंगी। तो यहाँ पर मैंने प्लेट्स रख लिया। प्लेट्स मैंने बिल्कुल वाइट और प्लेन यूज़ किया है, क्योंकि मैं इस बार चाह रही थी कि टेबल सेटिंग बिल्कुल सेटल हो और ज़्यादा कुछ उसमें कलर नहीं हो, तो इसलिए मैंने बिल्कुल सिंपल रखा है। तो यहाँ पर मैंने वाइट प्लेट्स का यूज़ किया। उसके साथ हम रख देंगे गोल्डन स्पून और फोर्क। अब हम इसके साथ रख लेंगे अपने नैपकिन्स को। तो नैपकिन को कुछ मैंने इस तरह से फोल्ड कर लिया। अब हम इसको इस तरह से प्लेस कर देंगे। आप चाहो तो नैपकिन रिंग भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि मैं यहाँ पर यह रमज़ान की मेरे पास साइन रखी हुई है जो मैं इसके साथ रखूँगी, तो इसलिए मैंने कोई नैपकिन रिंग यूज़ नहीं की है, क्योंकि मुझे इसको यूज़ करना था। तो कुछ इस तरह से प्लेट हो गई है रेडी। तो अब हम इसी तरह से हम दूसरे प्लेट्स में भी नैपकिन्स को लगा लेंगे।
तो यहाँ नैपकिन्स के बाद में मैंने ग्लासेस को ऐड कर दिया है, तो मैंने कुछ इस तरह के ग्लासेस यूज़ किया है। तो इसी के साथ ये टेबल सेटिंग हो गई है कंप्लीट। आपने देखा कि बहुत ही कम चीज़ों के साथ मेरी टेबल सेटिंग हो गई है कंप्लीट। मैं बस इसमें अब कैंडल्स को लगा दूंगी और आपको फाइनल लुक दिखाऊंगी। तो यहाँ पर मैंने सारे कैंडल्स को लगा लिया है, तो कुछ इस तरह से कैंडल्स लगने के बाद लग रहा है, तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। अच्छा लगता है कि कैंडल्स के साथ टेबल सेटिंग काफ़ी अच्छी लगती है और रमज़ान में तो काफ़ी अच्छी फीलिंग आती है। तो अगर आप भी चाहते हैं कि कोई इफ्तार पार्टी में आप अपने टेबल को सेट करना चाहें तो कुछ इस तरह से आप भी कर सकते हैं। तो आई होप आपको इससे कुछ आइडियाज़ मिले हों। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, अगर नए हैं मेरे चैनल पर तो सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल भी मत जाएँ। इसी तरह के और भी बहुत सारे वीडियोस आने वाले हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें, अपने फ्रेंड और फैमिली में शेयर करें। तो दुआओं में याद रखें, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।